Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at the Karnataka Aquarium that is located at JP Nagar in Bangalore. ये पांचवा वीडियो है कर्नाटका एक्वेरियम का और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा यूनिक पेट दिखाने वाले हैं जो आपने शायद ही किसी स्टोर में देखा रहेगा. सो आई होप कि आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक अलग सा कंटेंट रहेगा. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आएगा. सो हमारे साथ है शॉप के ओनर सैयद भाई. तो भाई बहुत कुछ आप दिखा चुके हो प्रीवियस वीडियोस में, इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हो आप? मैं एक्सोलॉट दिखाने वाला हूँ जो रेयर से रेयर वैरायटी की फिश और मैमल. ओके जो बोलते हैं दिखा दे फिर हमारे व्यूअर्स को. हाँ दिखाइए. सो ये चीज़ आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों ने देखी रहेगी, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या है, पर सैयद भाई हमको बताएंगे उनके बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम ये रहे आपके सामने एक्सोलिटल डाटा ओनली अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम. ये दो कलर्स में इनके पास अवेलेबल है. सबसे पहले इनके बारे में भाई बात करते हैं. इनको वॉकिंग फिश भी कहा जाता है एंड एम्फीबियंस ये होते हैं. ये पहले तो भाई बताइए, इंडियन स्पीशीज नहीं है राइट? ये नहीं इंडियन स्पीशीज, तो आर दे लीगल टू कीप? हाँ लीगल है. ओके भाई ये फिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके सो बहुत से लोगों को भाई पता नहीं होगा इनके बारे में कि ये क्या वैरायटी है, कहाँ पे रहती है, कैसी जीती है, क्या खाती है, किसके साथ रह लेती है. स्टेप बाय स्टेप आप बताना चाहोगे हमको क्या होता है ये वैरायटी? भाई ये वैरायटी सैलामेंडर जैसे न्यूट जी एक्सोलॉट, इनको तो इनका नाम तो एक्सोलॉट है जी जी, तो सैलामेंडर वैरायटी बोलते हैं इनको. अच्छा. और इनका जो मेन इनका जो अच्छी बात है जी जी, आप जैसे देख सकते हो इसका जो ये पैर है जी जी, इसका अगर पैर कट जाएगा अच्छा तो ये रिटर्न आ जाएगा. अच्छा, रीग्रो हो जाता है. हाँ रीग्रो कर लेगा ये. ओ, तो ऐसे इनके हाथ पैर आते हैं और ये इनको वॉकिंग फिश भी बोला जाता है जी जी जी. और इनको रखने के लिए एकदम इजी और मेंटेनेंस भी एकदम लो है. ये मिलवॉर्म खा लेते हैं, जो ड्राई वॉर्म्स आते हैं ये खा लेते हैं. अच्छा. और श्रिम्प वगैरह खाते हैं. ओके. और चिकन लीवर भी खाते हैं ये. सिर्फ वो चीज़ इनको डालना चाहिए जो सिंक हो जाए पानी के नीचे. हाँ वो सिंक वो सब खा लेते हैं ये. ओके. और इनका जो अच्छा ये है, इनको मेडिसिन वगैरह कुछ यूज नहीं करना चाहिए. अच्छा. कुछ भी मेडिसिन हो ओके ये यूज नहीं करना चाहिए. ओके. तो इनका जो पानी का टेम्परेचर है एकदम कोल्ड. ओके. जितना ये कोल्ड रखेंगे उतना अच्छा, उतना हेल्दी रहेंगे. ओके. और कोल्ड माने ये नहीं कि आइस क्यूब डाल दो. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल वार्म वाटर में रख देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेंगे. सीजन वाइज भी अगर पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है जी जी, तब भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. एकदम कोल्ड वाटर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको. अच्छा. ओके. फिशेस अगर इनके साथ रखनी है तो कौन सी रख सकते हैं भाई? गोल्ड फिश के अलावा इनके साथ कुछ नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छा है. ओके. गोल्ड फिश रख सकते हैं, क्यों बोले तो गोल्ड फिश किसी को हार्म नहीं करती है. बराबर. जैसा वरांडा गोल्ड, रेड कैप गोल्ड हो गई, रुकिंग गोल्ड हो गई, एसके गोल्ड, ऐसे सब गोल्ड अगर वैरायटी रखना चाहते हो तो रख सकते हो इसके साथ. और इनको एकदम लाइट ऑक्सीजन पसंद है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है. ओके. तो एकदम लाइट ऑक्सीजन है. आप इनका फेस दे सकते हैं, ये पूरा ऑक्सीजन चाहिए तो इनको ऊपर भी आके ये ऑक्सीजन लेके जाएंगे. अच्छा. हाँ तो बहुत ही बहुत खूबसूरत चीज़ है ये. और साइज़ भी बहुत अच्छा आया है मेरे पास इस बार. ये क्या साइज का है भाई? आप ही देख सकते हैं, कम से कम 6 इंच का आ जाएगा. आधे फीट का तो है. हाँ जी जी जी. और कितने बढ़ते हैं ये लोग? ये और बढ़ेंगे थोड़े बहुत, मतलब 8-10 इंच तक हो जाएंगे. अच्छा. हाँ. और इनका बिहेवियर बहुत पीसफुल रहता है, शांत होते हैं ये लोग. बहुत शांत, बहुत शांत. और इनको आप हाथ में भी लेके देखेंगे ना जी जी, तो एकदम मुलायम, बहुत ही मुलायम रहते हैं ये, बहुत स्मूथ ही रहते हैं ये. अच्छा. सो आपके पास ये वैरायटी अल्बाइनो है भाई? अल्बाइनो भी है और मेरे पास येलो में भी है, जिसको लुटिनो. अच्छा. ये सब बोलते हैं तो ये भी है मेरे पास. ओके. क्वांटिटी तो मेरे पास अच्छी खासी आई हुई है, बस वीडियो जी, के जी. लिए थोड़े बहुत लेके आया हूँ. ओके. क्वांटिटी तो अच्छी है और ये भी ट्रांसपोर्ट पूरा इंडिया हो जाएगा. ओके. लेकिन इसके लिए मेन पॉइंट अगर मैं ये प्रिफेयर करूँ, इसके लिए जैसा मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा था जी,
के 500 रुपए ट्रांसपोर्ट है जी। इसके लिए भी मैं 500 रुपए ही चार्ज करूंगा, लेकिन इसके लिए जो थर्माकोल बॉक्स रहेगा उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अच्छा, अगर वो जो भी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो भी सेम प्राइस ही है, अगर वो एक पीस ले रहे हैं तो भी सेम प्राइस ही होगा। अच्छा, मैं इसका ईच पीस 4500 में सेल कर रहा हूँ। ओके, चाहे वो येलो कलर में ले या चाहे व्हाइट कलर में ले, दोनों एक ही प्राइस है, 4500 रुपीस है सिंगल पीस का। ओके, अगर वो पेयर लेना चाहे या फिर किसी को होलसेल में चाहिए क्वांटिटी वगैरह, तब भी रीजनेबल प्राइस हो जाएगा। ओके, और दाम मतलब कम हो जाएगा अगर जो क्वांटिटी में लेना चाहे, बल्क में लेना चाहे तो। ओके, और इनकी डिलीवरी आप सारे पूरे कंट्री में कर सकते हो? पूरे कंट्री में नहीं, पूरे स्टेट में कर सकता हूँ, हमारे इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो भाई ये भी जो स्पीसीज है, अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इनके बारे में। कुछ लोग तो पहली बार भी देखे होंगे हमारे वीडियो के थ्रू। सो अगर कोई फर्स्ट टाइम इनको परचेस करता है, पहली बार इनको रखना चाहता है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ स्पेसिफिक उनके लिए ही उनको टैंक बनाना है, तो उस टैंक में सेटअप कैसा होना चाहिए, कितने फीट की, मिनिमम क्या फीट की टैंक वो रखे, उसके अंदर अगर उनको कुछ डेकोरेशन मटेरियल डालना है, जैसे कि ड्रिफ्टवुड डालना है, रॉक्स डालना है, सैंड डालना है, या कुछ हाइडिंग शोपीसेस डालने हैं, वो सब कैसा, मतलब इनका घर कैसा होना चाहिए भाई? भाई ये इसमें हाइडिंग प्लेस भी आप लगा सकते हो, ये हाइडिंग प्लेस ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, और इनके लिए अगर आप स्टोन वगैरह रॉक वगैरह ना डालें तो बहुत अच्छा है। ये सैंड अगर डालेंगे बस इनके लिए हाइडिंग प्लेस रखेंगे तो काफी है। ओके, और इसे जो भी खरीद रहा है एक बार मेरे से कंसल्ट कर लेते इसको रखना कैसा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, क्यों बोले तो इसके बारे में आई थिंक यूट्यूब पे भी इसको ये नहीं मिलेगा इसके बारे में, ये बहुत कम ही पाया जाता है, तो इसका यूट्यूब में भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। सही बात है, एक बार मेरे से कंसल्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसका जो भी है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जी। तो वैसे तो आपने भाई प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जो भी आपसे पाइथन लेगा या इगुआना लेगा या जो भी वैरायटीज लेगा, हाँ, तो आप उसको पूरी गाइडेंस करोगे, उसको पूरी तरह से बताओगे कैसे से रखा जाता है, क्या फीड किया जाता है। बेशक, तो भाई, जरूर जरूर बताएंगे, वो सब हम बताने के लिए ही इधर हैं। ये एक्चुअल में जो इंडिया में नहीं मिलता है और जो बहुत रेरेस्ट जो रेयर मिल रहा है जी जी जी। उस सब पे मैं काम कर रहा हूँ ताकि ये सब इधर के पब्लिक को पता चले, क्योंकि इधर की पब्लिक क्या है, पालना पसंद करती है, बट इलीगल लीगल में बहुत कंफ्यूज होके थोड़ा बहुत पब्लिक डर जाती है। सही बात है, तो जो लीगल है वो ऑब्वियसली हम बता के सेल करेंगे जी जी जी। तो इसी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो लीगल है वो सबके घर पे मिले और सबके सब उसको हॉबी प्रमोट करें जी, क्योंकि भाई हम भी और आप भी यही चाहते हैं कि हॉबी का जो क्रेज है वो बढ़े, और वो तभी बढ़ेगा जब लोग जानकार हो पाएंगे, जब लोग जानेंगे कि कैसी रखी जाती है, और चार लोग को बताएंगे इनके बारे में कि ये रख हम सकते हैं, ये सक्सेसफुली रखा जा सकता है, इफ़ अगर हमको पता है कि कैसे ठीक तरीके से रखा जाए इनको, एंड इनको कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है रखना, लाइक हम लोग जो भी एक्वेरियम फिश वैरायटी रखते हैं वैसे अगर इनको भी रखा जाए तो ये भी आराम से प्रॉपरली रह पाएंगे, राइट भाई? बराबर भाई, भैया बहुत ही बहुत शांत फिशेस है और बहुत देखने के लिए भी बहुत एकदम रेयर वैरायटी है जी 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 जी, बहुत खूबसूरत है, और मेरे घर पे भी मैं 6 पीस रखा हूँ। अच्छा, बहुत रेयर है, बहुत मतलब जो भी इसके लिए इसको देखता है ना जी जी जी, तो एकदम अलग शॉक हो जाता है जी, ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ अलग ही चीज है। हाँ, एज इट इज क्रोकोडाइल ही है ये जी जी, क्रोकोडाइल की छोटी ब्रीड है और ये कुछ अलग ही दिखती है, तो बहुत ही बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है ये सब। पहले ऐसे लगता है कि फिश है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि कुछ और ही है, क्योंकि इसको पैर भी है, एंड ये खास करके इनकी जो आपको पैर जो फ्रंट लेग्स है उनके तरफ जो ये इनको आया हुआ ऐसा जो पैटर्न, ये मतलब बहुत ही इनको एक अलग खूबसूरती इनकी बढ़ा देता है। सो बहुत मज़ा आया ये देखकर, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को उससे भी ज़्यादा मज़ा आया रहेगा हमारे चैनल पर एक्सोलिटल्स देख के आपके थ्रू कर्नाटका एक्वेरियम के ज़रिए। सो भाई नंबर एक बार बता दीजिए आपका। भाई मेरा नंबर है 7090546647, और एक और नंबर है 7090968459 जी, बाकी जो नंबर है मैं वो आपको दे दूँगा। श्योर। सो ये थे एक्सोलिटल्स दैट आर अवेलेबल ओनली एट कर्नाटका एक्वेरियम, डिलीवरी इज पॉसिबल अक्रॉस द इंडिया। सो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से सैयद भाई को कॉन्टैक्ट कीजिए, अदरवाइज स्टॉक सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड भी हो जाएगा तो आपको भाई को बता इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा
तब भाई आपको आपके लिए अवेलेबल करेंगे. राइट भाई? राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.